अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग जो हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाके में एक छोटे से गांव जिसका नाम होपर है, वहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। इसको हुनुनो हुनुनो कहते हैं ना, हुनुनो के पहाड़ी पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ से आप लोग जो मंज़र देख रहे हैं, ये होपर वैली दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है होपर वैली में इंक्लूड होता है। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूँ होपर वैली का। यहाँ से पूरी आबादी जो है, यहाँ से नीचे डाउन पूरा एक बाउल शेप का बना हुआ है, वहाँ पे आबादी है पूरी। और ये सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्लेशियर है, मियर, ये सामने जो है ये मियर ग्लेशियर कहलाता है। ये पूरा ऊपर के एरिया में इंक्लूड होता है। और ये हमारे साथ मौजूद है अमजद अली नेगरी, सिविल इंजीनियर अमजद अली नेगरी। इनको होपर के इलाके के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो हम इनसे थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे। इधर आप देख सकते हैं सामने कुछ सड़कें भी नज़र आ रही हैं, कुछ चैनल्स भी नज़र आ रही हैं, खेत वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ तक पानी का एक्सेस कहाँ से होता है, क्या चीज़ें हैं, और ये जो आगे जगह दिख रही है इनके डिफरेंट नाम है इलाकों के, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अभी अमजद भाई। तो अमजद भाई बताएं ज़रा, वहाँ एंड से स्टार्ट करके ना, एंड में जो नज़र आ रहा है सबसे आगे जो आबादी, जहाँ पे थोड़े से घर, छोटे छोटे घर जो नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे, वो नगर प्रॉपर का एरिया है। हाँ, वो सयां कहलाता है। उसके नीचे का जो एरिया है, जो ये यानी आप दरिया कह रहे नज़र तो ये वाला, लेकिन हाँ ये नदी के साथ साथ का जो एरिया, डाउन का जो एरिया है, सयां से नीचे जो एरिया है वो टुकुर को कहलाता है, वो भी नगर प्रॉपर का इलाका है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जो सड़क के साथ जो एरिया नजर आ रहा है, ये शोकोशल कहलाता है, ये होपर इस सड़क के साथ ना, नीचे वाली सड़क के साथ। हाँ, ऊपर वाली सड़क जो लिंक रोड है, जो मेन रोड है ऊपर का, सही वो वाले एरिया जो है वो शोकोशल है। उसके बाद आगे अगर हम आए तो ये आगे सामने हमारी जो सामने आबादी है, ये हकलशल का एरिया, ये वाला एरिया ऊपर का गाँव, छोटा सा हकलशल। इसमें भी नीचे जो घर नजर आ रहे हैं वो आबादी वाला इलाका है। उसके ऊपर जो इलाके हैं इनके डिफरेंट नाम है। ये वाला जो एरिया है ये बुल कहलाता है, ऊपर ये वाला ये नाले के साथ जो एरिया है, बुल यानी चश्मा, ब्रिटिश ज़माने में इसको बुल कहते हैं, इस ये एरिया। इसके बाद फिर ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये हकलशल का चरागा है, इसका नाम, इसके भी डिफरेंट नाम है, एक गर का वारिशी कहलाता है, ऊपर का जो एरिया है वो दलतर कहलाता है। सही। तो यहाँ तक ये सारे खेतों में पानी का एक्सेस कहाँ से होता है, मतलब नीचे वाले एरिया में और ऊपर वाले एरिया में? ये जो आप थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे तो ये नदी नज़र आएगा इधर से, ये वाली नदी, ये हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हकलशल की आबादी को सैराब करने का जो नाला निकला है उसके लिए। ये जो ऊपर से बेन ग्लेशियर नज़र आ रहा है, यहाँ से आ रहा है पानी, सही ना, ये पूरे इलाके को सैराब करते हुए डिफरेंट चैनल्स बने हुए। ऊपर पीछे वाली आबादी को ऊपर का नाला है, ये ऊपर वाला नाला जो है पीछे की आबादी के लिए, सामने वाली और इस बैक साइड की जो आबादी, सही, इसके लिए पानी यहाँ से एक्सेस है, और नीचे वाली आबादी के लिए यहाँ से इस चैनल के थ्रू एक्सेस है, अकलशल और रतल वगैरह, ठीक, बैक साइड की वगैरह, ठीक। बाकी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं तो फिर उनके स्टे वगैरह के लिए यहाँ पे है ना, आगे रेस्ट हाउस वगैरह, सही। चले अमजद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।